एवरीवन, माई सेल्फ पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई, हियर विद द वीडियो लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स फॉर BCA फर्स्ट ईयर यूनिट. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ इंटरनेट. ओके, सो दिस इज वीडियो पार्ट 3. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर, what is port, what is DNS and internet connection or ISP, that is internet service provider, and references. Okay, so let's start our lecture. So students, client and server, ठीक है, ये क्लाइंट एंड सर्वर जो होता है, इट मीन्स क्लाइंट क्या होगा जो कि रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और सर्वर क्या होगा जो कि रिस्पॉन्ड देगा, ठीक है, उस रिक्वेस्ट का. तो इस तरीके से इस मॉडल पे वर्क करता है क्लाइंट एंड सर्वर में. तो जो कंप्यूटर जो जिसको कि सर्विस के लिए वो पूछता है या जस्ट सर्विस मांगता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट. ओके, जैसे कि ईमेल प्रोग्राम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लाइंट, ठीक है. और जो कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर, ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जो कि दूसरे कंप्यूटर को या क्लाइंट को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्वर, ठीक है. द सॉफ्टवेयर रन बाय सर्वर कंप्यूटर टू प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सर्वर किसी कंप्यूटर को सर्विस जो है प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्वर सॉफ्टवेयर. हम जैसे कि मेल यदि सर्वर की बात करें तो जो है अलग अलग सर्वर के एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं. जैसे कि मेल सर्वर, मेल सर्वर क्या करेगा, इसमें क्या है, हैंडल इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल, ठीक है. मेल का जो इनकमिंग और आउटगोइंग उसको हैंडल करता है, दैट इज़ कॉल्ड मेल सर्वर, ठीक है. जैसे कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल होता है दिस इज़ कॉल्ड POP, ठीक है. स्टोर्स इनकमिंग मेल वाइल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, ये प्रोटोकॉल का नाम है, जो कि SMTP क्या करता है, इट ये जो सर्वर है, दिस रिले ऑन आउटगोइंग मेल, ठीक है. तो इनकमिंग के लिए POP हो गया और आउटगोइंग के लिए क्या हो गया, SMTP. मेल क्लाइंट्स गेट इनकमिंग मैसेजेस फ्रॉम एंड सेंड आउटगोइंग मैसेजेस टू अ मेल सर्वर एंड इनेबल यू टू रीड राइट सेव एंड प्रिंट मैसेजेस, ठीक है. तो मेल क्लाइंट क्या करेगा, इनकमिंग मैसेज और आउटगोइंग मैसेज को वो देख सकता है, ठीक है. इस तरीके से जो है मेल सर्वर हमको इनेबल करता है रीड राइट सेव एंड प्रिंट के लिए. उसके बाद है वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या करेगा, ये क्या करेगा, वेब पेजेस को स्टोर करके रखेगा, उसे ट्रांसमिट करेगा और उसको रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब क्लाइंट. वेब क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्या, वेब सर्वर, ठीक है. ये इस वेब सर्वर जो है इसका जो क्लाइंट होगा दैट इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र. देन FTP सर्वर क्या करेगा, ये फाइल को स्टोर करेगा दैट यू कैन ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर इफ़ हैव एन FTP क्लाइंट, ठीक है. तो इस तरीके से मेल सर्वर, वेब सर्वर, FTP सर्वर वर्क करेंगे. नेक्स्ट है पोर्ट, ठीक है. क्या होता है पोर्ट, वन होस्ट कंप्यूटर कैन रन मोर देन वन सर्वर प्रोग्राम. एक कंप्यूटर में, एक होस्ट कंप्यूटर, मैंने बताया था कोई भी कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है दैट इज़ कॉल्ड होस्ट, ठीक है. तो एक होस्ट जो होगा, उस एक होस्ट में हम नंबर ऑफ जो है सर्वर प्रोग्राम या नंबर ऑफ प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं. ऑब्वियस ही बात है, हमारे सिस्टम में जो है एक MS Word भी रन हो सकता है, वेब सर्वर भी रन हो सकता है, एक MP3 प्लेयर जो है वो भी रन कर सकता है. तो क्या करेगा, एक स्मॉल ISP माइट हैव वन कंप्यूटर रनिंग ऑन अ POP सर्वर, SMTP सर्वर, वेब सर्वर एंड न्यूज़ सर्वर, ठीक है. टू कीप रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्ट्रेट ईच टाइप ऑफ सर्वर रिस्पॉन्स टू पैकेट सेंड टू स्पेसिफिक पोर्ट्स, ठीक है. तो हर एक जो सर्वर होता है, एक पर्टिकुलर उसको उसकी रिक्वेस्ट ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हर एक सर्वर को एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर प्रोवाइड होता है, ठीक है. पोर्ट्स आर नंबर्ड एंड स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स आर यूज्ड थ्रू आउट द इंटरनेट, ठीक है.
तो हर एक जो होगा पोर्ट उसका एक नंबर होगा और उस नंबर का जो यूज़ है थ्रू आउट द इंटरनेट होता है। जैसे कि सब स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर जो अलॉटेड है, जैसे कि यदि हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं एफटीपी सर्वर यूज़ एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है 21। ठीक है, तो वो जो होगा उसका पोर्ट नंबर क्या होगा 21। देन टेलनेट के लिए पोर्ट नंबर होता है 23, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, वैसे जैसे हम वर्ल्ड वाइड वेब हम यूज़ करते हैं, है ना, हमने हम वेब ब्राउज़र में लिखते हैं www, तो वहाँ उसका जो पोर्ट नंबर होता है दैट इज़ 80। POP3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है मेल के लिए, उसका जो पोर्ट नंबर होता है दैट इज़ 110। देन IRC ये भी एक रिले चैट के लिए होता है 194 इसका पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर अलॉटेड है कोई भी प्रोग्राम के लिए जो कि सर्वर में यूज़ होते हैं या रन होते हैं। ठीक है, तो आप अब पोर्ट के बारे में आप अच्छे से जान गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब डोमेन नेम सिस्टम में मैंने एक बार और जो है अपने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो DNS क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, मैंने बताया था कि जो भी वेबसाइट, ठीक है, या वेब जिस किसी भी सिस्टम में सर्वर में रन होती है, ठीक है, जब भी हम कोई वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं तो उसका एक यूनिक 4 पार्ट का एक नंबर जनरेट होता है। ठीक है, और वो जो नंबर होता है वो नंबर के थ्रू वो पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस की जा सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को उसके नंबर के थ्रू याद रखना इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है एक एक नंबर सिस्टम जनरेट किया गया जिसके थ्रू जो है हम क्या करें उसकी वो जो वेबसाइट है उसको हम इजली याद कर सकें, रिमेम्बर रख सकें। ठीक है, जैसे कि यदि हम www.google.com, ठीक है, ये google.com जो होता है उसके लिए पर्टिकुलर ये 4 डिजिट का जो है नंबर जनरेट होता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो नंबर होता है हर वेबसाइट के लिए ये नंबर जनरेट किया जाता है। ठीक है, उसकी वेब सर्वर के लिए से, तो उसके नंबर को याद रखने की बजाय उसका हम क्या याद करते हैं ये जो होस्ट नेम होता है ये डोमेन नेम से इस तरीके से उसे याद किया जाता है। तो हर वेबसाइट का ये जो फर्स्ट पार्ट जो रहता है ये प्रोटोकॉल या हमारे ये वेब के लिए यूज़ होता है www। ठीक है, उसके बाद ये होस्ट नेम हो गया और ये वाला जो है कॉम। ठीक है, यहाँ पे com.gov.in.edu.org इस तरीके से ये जो होता है ये एक्सटेंशन ये यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन हम एक बार देख लें, तो ये DNS सर्वर ट्रांसलेट्स बिटवीन द न्यूमेरिक IP एड्रेसेस दैट आइडेंटिफाई ईच होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट एंड द करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम्स। पीपल प्रिफर टू यूज होस्ट नेम बिकॉज दे आर ईजी टू टाइप एंड रिमेंबर, बट एक्चुअल इंटरनेट कम्युनिकेशन यूज द न्यूमेरिक एड्रेसेस। मैंने बताया था कि जो IP एड्रेस होता है हर एक वेबसाइट का, हर एक होस्ट का, ठीक है, उस IP एड्रेस को किस में कन्वर्ट करता है, किस में मैप करता है डोमेन नेम में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है याहू के लिए। ठीक है, याहू की जो वेबसाइट होती है उसका होस्ट नेम क्या है www.yahoo.com। ठीक है, और DNS सर्वर ट्रांसलेट्स द नेम टू दिस IP नंबर। ठीक है, वन ऑफ द याहूज वेब सर्वर देन सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू दैट IP एड्रेस। तो इस तरीके से ये उसे कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए ये रूट डोमेन है डॉट। ठीक है, इसके बाद जो है ये टॉप लेवल डोमेन हो गए EDU GOV कॉम नेट। ठीक है, और ये सेकंड लेवल डोमेन हो गया, तो ये हो गया गूगल। तो हम जैसे कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे google.com। ठीक है, जैसे कि MIT.edu। ठीक है, इस तरीके से जो है ये DNS जो सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो हमारे पास वेबसाइट है, वेब
पेज बन गया है, ठीक है। अब हमको उसको एक्सेस करना है, हमारे पास पोर्ट नंबर भी पता चल गया है उसका, हमको होस्ट नेम भी पता चल गया है, लेकिन हमको बीच में एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है, जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट एंड सिमिलर सर्विसेज सच एज वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वर्चुअल होस्टिंग। तो हमको जो है इंटरनेट को एक्सेस करने देता है, उसके साथ ही हमको वेबसाइट डिजाइनिंग और वर्चुअल होस्टिंग भी हमको अलाउ कराता है, ठीक है। जैसे कि व्हेन यू कनेक्ट टू इंटरनेट, द कनेक्शन बिटवीन योर इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस एंड द इंटरनेट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ स्पेसिफिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेट्स थ्रू एन इंटरनेट प्रोटोकॉल रूट, ओके। जैसे कि MTNL, एयरटेल, UTL, इन्फोकॉम, ओके, टेलकॉम, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ठीक है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ये कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से जोड़ता है। डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग केबल मॉडेम, डायलअप, DSL, हाई स्पीड इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट्स, ओके। टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, एक होता है डायलअप इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। ये जो है पुरानी टेक्निक होती है टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय मोडेम टू मोडेम, मोडेम टू मोडेम कनेक्शन यूजिंग टेलीफोन लाइन, ठीक है। जो हम पुराने टाइम में या कुछ समय पहले जब हम BSNL या किसी भी लैंडलाइन मोबाइल से लैंडलाइन फोन लाइन से फोन लाइन्स के कनेक्शन से हम डायलअप कनेक्शन के थ्रू जो है इंटरनेट यूज़ करते थे, ठीक है। ये वो वाली टेक्निक होती है जिसमें डायलअप सबसे पहले क्या परफॉर्म होता है, डायलअप कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें एक सिस्टम से एक मोडेम से दूसरे मोडेम में कनेक्ट के थ्रू जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इन दिस मेथड द यूजर्स कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ मोडेम विथ अ टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो ये टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है। दिस मेथड हैज़ बिकम आउटडेटेड टूडे ड्यू टू स्लो कनेक्शन स्पीड, ठीक है। ये जो है पुराना टेक्निक हो गया है नेट कनेक्शन का। इसके जगह क्या आया था, इसके बाद जो है ब्रॉडबैंड नेटवर्क आया। नेक्स्ट है DSL, ठीक है। DSL जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द डायलअप इंटरनेट एक्सेस मेथड, ठीक है। इट यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी टू एग्जीक्यूट अ कनेक्शन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क एंड अलाउज द इंटरनेट एंड द फोन कनेक्शन टू रन ऑन द सेम टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो ये जो होता है DSL, जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, ये एडवांस वर्जन होता है डायलअप कनेक्शन का। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है कनेक्शन के लिए एंड अलाउ द इंटरनेट एंड द फोन कनेक्शन टू रन ऑन द सेम टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, DSL के केस में जो है इंटरनेट और फ़ोन कनेक्शन जो है सेम टाइम में होता है। पहले डायलअप के केस में क्या होता था, यदि वो रन नेट कनेक्शन हो रहा है तो जो है फ़ोन जो होता है था वो रन नहीं होता था, वर्क नहीं करता था, लेकिन DSL के केस में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है ये इससे भी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी अलाउ करता है, ठीक है, और वायरलेस इंटरनेट को भी वो पर्टिकुलर एरिया में अलाउ करता है। उसके बाद आया वाईफाई, जिसका कि जनरली हम यूज़ करते हैं, ये वायरलेस फॉर्म में अलाउ करता है, विच इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स के थ्रू जो है नेट कनेक्शंस अलाउ करता है। देन है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ISDN इट इज़ अ टेलीफोन सिस्टम नेटवर्क विच इंटीग्रेट्स अ हाई क्वालिटी डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा ओवर द सेम स्टैंडर्ड फोन लाइन। इट ऑफर्स अ फास्ट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंटरनेट कनेक्शन स्पीड एंड अलाउ बोथ वॉइस कॉल एंड डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो ये एडवांस है जिसमें कि हाई स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब कि जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का है वो दोनों के लिए जो स्ट्रीम होता है वो हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, और ये जो है अच्छी क्वालिटी का वॉइस कॉल भी देता है और डेटा ट्रांसफर भी देता है,
क्या ISDN, ठीक है। तो ये जो हो गया हम कंप्लीट हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लाइंट सर्वर मॉडल, देन पोर्ट, देन DNS एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो दिस आर दी रेफरेंसेस एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।